कभी ताज होटल में शिफ्ट रहे, जैकी ने ऐसे पाई बॉलीवुड में शोहरत। बॉलीवुड में अपने अंदाज से अलग पहचान बनाने वाले जैकी श्रॉफ को इंडस्ट्री में आए हुए 40 साल से ज्यादा का समय हो गया है। 1 फरवरी 1957 को मुंबई में पैदा हुए जैकी श्रॉफ ने बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन ये सफर आसान नहीं रहा। शुरुआत के दिनों की बात करें तो हिंदी सिनेमा में जगू दादा के नाम से मशहूर जैकी ने 11वीं क्लास तक पढ़ाई की। जैकी के घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए फिल्मों में आने से पहले उन्होंने ताज होटल में बतौर शिफ्ट काम किया। एयर इंडिया में बतौर फ्लाइट अटेंडेंट भी जैकी श्रॉफ ने काम किया। जैकी का असली नाम जयकिशन काकू भाई श्रॉफ है। वह फिल्मों में आने से पहले अपनी माँ के साथ मुंबई में एक चाल में रहते थे। जैकी श्रॉफ ने 11 भाषाओं में तकरीबन 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत से पहले जैकी ने मॉडलिंग में हाथ आजमाया। इस दौरान उन्हें 1982 में देवानंद की फिल्म स्वामी दादा मिली। इसके बाद सुभाष घई की फिल्म हीरो में काम किया। 1983 में आई इस फिल्म ने जैकी श्रॉफ को सफलता दिलाई। जैकी श्रॉफ के शानदार फिल्म करियर में उन्हें अब तक 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन दिनों जैकी फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर, प्रस्थानम, सहो, फिर की और भारत के प्रोजेक्ट में बिजी हैं। जैकी श्रॉफ की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो वो कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जैकी को आयशा से जब प्यार हुआ था तो वो सिर्फ 13 साल की थी। किसी फिल्म रिकॉर्डिंग के दौरान जैकी ने आयशा को पहली बार बस में बैठकर जाते देखा था। बस पहली नजर में ही जैकी को आयशा से प्यार हो गया था। दोनों के रिश्ते में एक थी कि जैकी पहले से एक रिलेशन में थे और उनकी गर्लफ्रेंड स्टडी के लिए अमेरिका गई हुई थी। ऐसे में आयशा ने लेटर लिखकर जैकी की गर्लफ्रेंड को सारी बात बताई। कई साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 1987 में शादी कर ली। शादी के दोनों के 2 बच्चे टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ हैं। टाइगर बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं, वहीं कृष्णा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।